रस्में जामे बेशतर राहे सफर के लोग थे, हम दोनों को कह रहे हैं, बल्कि तीनों को कह रहे हैं, तीन ही थे ना। रस्में जामे बेशतर राहे सफर के लोग थे, खैर के तो कम ज्यादा हुए शर के लोग थे, खैर के तो कम ज्यादा हुए शर के लोग थे, एक भी ठहरा ना मैदा में, ये सच है ऐदी। यूं तो कहने को वो, यूं तो कहने को बहुत वो कर लो फर के लोग, नहीं तो कहने को बहुत वो कर लो फर के लोग। इन्होंने भी बिजनेस के हवाले से कहा था, मैं तो के आपको खुश रही है आवाज रही। पयाम आया है तेरा, तेरी रजा पे निसार, रसाइये शहर दुलदुल सवार दे मुझको। पयाम आया है तेरा, तेरी रजा पे निसार, रसाइये शहर दुलदुल सवार दे मुझको, फलक तो मेरा मुकद्दर है यार, मेरा मुकद्दर है, आ ही जाऊंगा जो हो सके तो नजफ में। पयाम आया है तेरा, तेरी रजा के साथ, शहर दुलदुल सवार दे मुझको, फलक तो मेरा मुकद्दर है, आ ही जाऊंगा जो हो सके तो नजफ में उतार दे। हमारे दिल में फकत पंजतन का डेरा है, अब और किसकी भला हमको जस्तजू, अब और किसकी भला हमको जस्तजू होगी, अदील वर्द जुबान है अली का नाम सदा, इसी वजीफे से तकमील आरज़ू हो, इसी वजीफे से तकमील आरज़ू होगी। जहाँ से गुजरे थे मौला गुजार, जहाँ से गुजरे थे मौला गुजार, वो भी आपको बिल्कुल खोपड़ी आजकल काम कर रही है। सही कह रहे हैं, जो श्रीमानी के साथ नरे सरवाल एक सलवार का सहारा, बड़े टेक्निकल सवाल कर रहे हैं नाज़िम साहब हमारे जो हैं, और जी बस ये आपको दो दो शेर सुना देता हूँ बीबी ज़ैनब के हवाले से। जिंदगी शब्बीरियत की जावेदा ज़ैनब से है, बीबी ज़ैनब के हवाले से हैं कि जिंदगी शब्बीरियत की जावेदा ज़ैनब से है, आबिदे बीमार की हिम्मत जवां, जिंदगी शब्बीरियत की जावेदां ज़ैनब से है, आबिदे बीमार की हिम्मत जवां ज़ैनब से है, और चल रही है नब्ज़े दीन खुतबों के दम से बिल यकीन, चल रही है नब्ज़े दीन खुतबों के दम से बिल यकीन, मजलिसों का कारवां पैगाम रवां, मजलिसों का कारवां पैगाम रवां ज़ैनब से है, और कुफ्र पहचाना गया और मिट गई शाने यज़ीद, पहचाना गया और मिट गई शाने यज़ीद, कामयाबी की सनद ये इम्तिहान, कामयाबी की सनद ये इम्तिहान ज़ैनब से है, बह गया कसरे यजीदी
सब्र के सैलाब में, बह गया कसरे यजीदी सब्र के सैलाब में, दहर में मादूम जुल्मत का निशान। मकसद शब्बीर की तफसीर ज़ैनब कर गई, मकसद शब्बीर की तफसीर ज़ैनब कर गई, ऐसी उस दरबार में तकरीर ज़ैनब कर गई। एक मुअल्ला करबला को कर गए इब्ने अली, एक मुअल्ला शाम में तामीर ज़ैनब कर गए। नाम लेवा मुस्तफा का कौन होता है शफक, नाम लेवा मुस्तफा का कौन होता है शफक, दीने अहमद का जमाने में निशान, दीने अहमद का जमाने में निशान। और है बहन ये अलम वाले ब्रादर की अदीम, है बहन ये एक अलम वाले ब्रादर की अदीम, बस इसी निस्बत से सर पर साहिबाज है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि छोटे भाई ऐसे हैं फिर बड़े भाई बड़े होंगे। लेकिन ये एक वाकया ये है कि पिछले दो साल से क्रिश्चियन की अदबी महफिल मजा नहीं आ रहा, ना दाद ना बेदाद ना किसी चीज़ में। और आज अहलुल बैत की जश्न में खास शिरकत के लिए जहमत दे रहे हैं हम जनाब नॉर्थ अमेरिका के मालूम है, जो बाकी नॉर्थ मूव हो गए बॉस्टन चले गए हैं और हमारे यहाँ इस वक्त दरम्यान मौजूद हैं जावेद जदी साहब। ये इसमें आजम जो लब पे आए लगता है हर जरी, इसमें आजम जो लब पे आए तो दिल धड़कता है हर जरी का, यही सिखाता है गुर सभी को सिकंदरी का कलंदरी। बहुत शुक्रिया सभी भाई साहब कि आपने इस महफिल में हम गुनाहगारों को भी शरीक फरमाया और हेजी साहब को खुसूसन कि आपने यह फरमाया। तबीयत जरा बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन ये कमाल की बात है कि आपने मुझे इस महफिल में शरीक किया। यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े बीमार शहदिया हो जाते हैं और बैठे हुए हैं यहाँ, यहाँ तो बगैर पर्चे बाजी के काम हो रहा है, पर्चे लेके आए हूँ। बर मोहम्मद आले मोहम्मद बर दस सलावा बताइए बीमार उसको मान लूं कैसे बताइए जो बोलता हो हैदर कर्दार की तरह, मिंबर गवाह सेहत आबिद पे यकीन बैठा हुआ यजीद है बीमार। तो मैं इसे शहर यंग तरह भी कहता रहा हूँ जमाने से, शायद आपने से कुछ वापिस सलीम ने पूरा माहौल बनाया। और वाकया ये है कि अगर किसी रेडियो स्टेशन को सदाए हक का नाम दिया जा सकता है तो वो उस मजनू का काम था, और हमने कोशिश की कि अदबी वर्कशॉप आ जाए खुदा के। तो कुछ चीजें जितनी भी पढ़ा सब आपकी सुनी हुई है को नहीं की माफ कीजिए, इसे मैं कतई मुतरजा कहता हूँ, जुमला ए मुतरजा होता है आपकी के बज़्मे अदब हो के फर्शे अलम। सैयदा बज़्मे अदब हो ये अलमिया भी है लेकिन हम अलमियों के तो आदि हैं, फर्शे अल्लाह हमारा मदरसा है। बज़्मे अदब हो के फर्शे अलम
खुशी मोतबर है न गम मोतबर। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आवाज़ी होगी फिर सुन। सुभानअल्लाह वाह वाह वाह। कि बज़्मे अदब हो कि फर्शे अलम निशान तुम्हारा अदा करते हो सच्चे भाई आता है। बज़्मे अदब हो कि फर्शे अलम खुशी मोतबर है न गम मोतबर। और डॉक्टर साहब एक मरीज की कहानी सुनिए कि कहत है यहाँ जिनसे अखलास का। क्या जिनसे अखलास का, क्या कहने हम कसरत के कभी कायल नहीं है। हम कसरत के कभी कायल नहीं, हम तो कल्लत के लोग हैं। क्या कहने है, हमें तो ना पानी दस्तियाब था न हमारी सुनी गई, हमारे सफीरों को कत्ल किया गया। कि बज़्मे अदब हो कि फर्शे अलम खुशी मोतबर है न गम मोहतरम। कहत है यहाँ जिनसे अखलास का वो अहले खबर हो अहले कलम। इस शहर को अगर कोई खबरदार रखता था हमारा मुजाहिद। और ये तो कह नहीं सकते थे कि हम शिया हैं और ही, लेकिन मातम जरूर करते थे, मुहर्रम में मातम करते थे, और रबीउल अव्वल में उस आदमी की, उस आदमी का जिक्र करते थे कि इसकी वजह से सारा चर्चा है तमाशा है। इजाजत करने के नजर पेश कर सकता हूँ। असल सलीम के होने से तो ऐसा दिल चाह रहा है कि सभी सुना दूं। वो सिंधी में ऐसा चंदा बाबा पांच झूम मारो सही चार चार बाबा साढ़े पांच झूम मारो। कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, जो आए हैं द मोस्ट वेलकम नाच रेली डियर इन्वेस्टर। एक वाकया हुआ था उसके पस मंजर में करना सही सा वाकिफ है कि वो लश्कर झंगी हुई। अब सुनना यार ये कवाली से जरा आगे की बात है कि वो लश्कर झंगी हो या मोहम्मद के सिपाही। नाराज मत होना यार, मैं भी मोहम्मद के सिपाही में आपस किया था। मेरा असली नाम ही मोहम्मद है यार। जावेद तो ये कि इकबाल ने अपने बेटे का नाम रखा, तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान अपने बेटे का नाम जावेद रखते हैं। इतना पॉपुलर शायद शायरी को दुनिया में गुजरा। कि वो लश्कर जंगी हो या मोहम्मद के सिपाही, ये फौरस के वो हाथी हैं जो अपने मजहब और अखलाक को खुद ही कुचलते। क्या बात, क्या कहने, वाह 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 जावेद भाई कमाल, वाह वाह वाह। शायद इसमें हाल हो ये तुम्हारा प्रोग्राम, मतलब 20 साल पहले की बात है, 18-20 साल की। लश्कर जंगी हो या मोहम्मद के सिपाही, ये पौरस के वो हाथी हैं जो अपने मजहब अकदार को खुद ही कुचलते हैं। और सैयदों और जैदियों और रजवियों मेरे अजदाद के सीने पर चलते हैं। क्या बात, क्या कह रहे हैं, मेरे जब थे यार, इधर जब थे यानी 700 साल पहले आए थे हिंदुस्तान में। बिल्कुल बहुत पुरानी बात हो रही है, तारीख तो बिलियन ईयर्स की है। कि लश्कर जंगी हो या मोहम्मद के सिपाही हो, पौरस के वो हाथी हो जो अपने मजहब और अखबार को खुद ही कुचलते हैं। हैदर साहब मेरे अजदाद के सीने पर चलते हैं। और सही साहब ये आपका न्यूज व्यू लग रहा कि ये जज्बा कौन देता है। अरे बाबा जा सही, ये जज्बा कौन देता है, ये वशत कैसे आते हैं। सवाल तो ये है, सवाल ये नहीं है कि नारा कितनी जोर से लगा रहे हो, सवाल ये है कि मातम के निशान देख कर वो कुरान पढ़ रहा है तो कत्ल करके नारे तक बीर लगा रहे, तो तुम तो तहरीर कर रहे हो, पूरे तहरीक वीर की तहरीक कर रहे हो। नारेबाजी से थोड़ी काम चलता, काम करना पड़ता है। सही साहब ये जज्बा कौन जोड़ता है, ये वहशत कैसे आती है।
तो मस्जिद में नमाजी कब्र कतल हो तो नाम बांध कर तो मस्जिद है यार है कि नहीं है तो मस्जिद में नमाजी कत्ल हो और हमें ना शहर की सतों पर फर्जा तो यहां से साहब सुनिएगा सब आप आलिम कि सुनो जिहालत की अमी है आज भी इंसान भी कातिल क्या कह रहे हैं मुस्लिम को देख रहा हूँ मैं खून बढ़ा ऐसा लग रहा हम लोग बैठे तो नहीं अंतरंग कर रहे उधर से जारा करी और मैं उजारा संगीत इसको देखा मैंने बहुत जमाने के बाद इसमें जहालत की अमी है आज भी इंसान के खाते जहालत को मिटाओ रोशनी लाओ जहालत को मिटाओ निशान रोशनी लाओ और यहां से सुनो निशान अरे निशान बड़ा आलिम वो सुर से वाकई में यार बातें खत्म हो गई रहमान के सुर लगते हैं यार वहां पहुंचता सुनो जहालत के अमी है आज भी इंसान के कातिल जहालत को मिटाओ रोशनी लाओ अब रोशनी सर्वर ये चाय वाली नहीं जहालत को मिटाओ रोशनी लाओ रोशनी क्या बात है रोशनी सैयद चाशनी चाशनी का तो मजा ले गया है ना जिनके नहीं मिल रहा यहाँ कुछ लेकिन भारत चाशनी का युग तो है हम तो सूखे के लोग हैं ना बिल्कुल कि जहालत को मिटाओ रोशनी लाओ रोशनी इल्म की चाशनी इल्म की और बहुत मातर करते हो तश्नगी इल्म की इस तश्नगी का मातर करते हो तुम वो तश्नगी जहालत को मिटाओ रोशनी लाओ रोशनी इल्म की चाशनी इल्म की तश्नगी इल्म की और लामा जस्तजू इल्म मजहबी रास्ती और लामा मजहबी रास्ती खुद बखुद आई इजाजत दीजिए बहुत शुक्रिया आपने क्या जिक्र किया उसी मुनासबत से एक पर्चा उस मुनासबत से चाय ला रहे हैं निशान लेने साहब भाई सुन रहे पीछे चलो अरे यार तू वहां कहां बैठ गया तुम्हारे क्या बुढ़े में शुमार हो गया आ गया बुढ़े और तुम्हारे दुश्मन पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाह ऐ साहिबो रसूल की दुख्तर को क्या देखेंगे रसूल की दफ्तर को क्या देखें रंजो अलम के पैकरे अथर को क्या रंजो अलम के पैकरे अथर को क्या लिखें और अभी साहब कहा है क्या है फातिमा अय फातिमा तुम्हारे भरे घर को क्या लिखे जो बाबे शहर इल्म था उस दर को क्या क्या मुनासिब है ये तो क्या अय फातिमा तुम्हारे भरे घर को क्या लिखे
जो बाबे शहरे ही सौलत सुनर याद रहे तो भी मेरे तरह सोना बैठे जो बाबे शहरे था उस दर को क्या लिखे शेर सुनोया देखो तगज़ुल आता है तगज़ुल कुरान में भी बाबे फिदर निसार तेरी नहरे अश्क पर तारीख जुल्म और जौर के मंजर को क्या लिखे आजाद तारीख जुल्म और जौर के मंजर को क्या लिखे वो कहीं ज़ारा सैयदा सुन रही हूँ कि तहरीके इल्मे दीन का परचम जो बन गया तहरीके इल्मे दीन का परचम तहरीक ही यार तो मजाक तो नहीं था है ये खिलाफत नहीं बढ़ रही थी वहां जरदारी नहीं थे इस्लाम है ना कि तहरीके इल्मे दीन का परचम जो बन गया इस चादरे बतूल के अस्तर को क्या क्या कह रहा तहरीके दीन का परचम जो बन गया वहीं से तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसे एहतजाज कहते मजामत कहते एक औरत ने कहा दरवाजे से नहीं हटोगे गिरा दो दरवाजा और गिरा दरवाजा कि तहरीके दीन का परचम जो बन गया उस चादरे बतूल के अस्तर को क्या लिखे तो देखिए इस्लाम की हाय हाय मर्सिया पूरा ताजिब अहिजा क्यों मुझे बुला दिया देखो ये तो जश्न का मौका था इस्लाम की हुदूद से नाशना था जो खुदा सुनिएगा इस्लाम की हुदूद से नाशना था जो सैयद इस जहले बेपनाह के लश्कर को क्या वहां से तुम्हारा पता चलता है शायद निकल गया अगर इस्लाम की हुदूद से नाशना था जो इस्लाम की हुदूद से नाशना था जो इस जहले बेपनाह के लश्कर को क्या लिखे और अफसोस उन्होंने दीन से वाकिफ न थे जो लोग वो यही तो मातम है या सारा हमारा अफसोस रूह दीन से वाकिफ ही थे जो लोग इन साहिबान ने मिंबर और दफ्तर को क्या लिखे इन साहिबान ने मिंबर और दफ्तर को क्या लिखे और सुनकर आपको खुशी होगी आखिरी शेर और जा और सलीम सैयद से पहले मैं भी तसल्लुस को सैयद किया करता था तो इनके हाथ में दस्त पकड़ा जिस तरीके से वो एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी का बता रहा कि सैयद मैं सैयदा की मदहा किस तरह लिखूं मारा कि तुम सो रहे हो मैं भी दो दिन के जा रहा हूं बच्चू कि सैयद मैं सैयदा की मदहा किस तरह लिखूं मैं भी हूं सैयद कोकापाल और ये असली है असली क्या बात है तो मैंने को क्या कोई लतीफा सुनाया कि सैयद मैं सैयदा की मदहा किस तरह लिखूं उस सबरे बेमिसाल के पैकर को क्या हमारे साहिबो रसूल की दुख्तर को क्या लिखे रंजो रंग के पैकरे अथर को क्या लिखे ऐ फातिमा तुम्हारे भरे घर को क्या लिखे जो बाबे शहर था उस तक बड़ी नायब बड़ी नायब क्या है ईद मुबारक कहिए सलीम भाई और
ये फूल आप रख चुके हैं अचानक चुके फूल लेने वाले खातून को आए वो पाकिस्तान में ही नहीं है और वहाँ से बच के आना तो आप जानते हैं कि आजकल वो ज्यादा आसान है बाहर नहीं आप बाहर से आप पाँच ले लीजिए ईद मुबारक हो बहुत शुक्रिया और यूँ लग रहा है कि जैसे अब जैदियों की लाइन लगी हुई है जैदी पे जैदी आ रहे हैं और बड़े महसूस होंगे इंशाल्लाह सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आज की दुनिया का सबसे अच्छा पहलू ये है कि इंटरनेट के जरिए फासले कम हो गए हैं दूरियां कम हो गई हैं और आप हर शख्स को इंटरनेट पे देख सकते हैं और सुन सकते हैं चाहे आप वो यहाँ आपके दरमियान मौजूद हों या ना हो आप रबते में रहते हैं और ये शख्सियत जंगतारो कराची से वो पूरी दुनिया से रबते में हैं इंटरनेट के जरिए आप जाएं और उनका मनकबत खानी सुने नोहा खानी सुने तो कराची से खास तौर पे अहल बैत के इस जश्न में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं मख्तूम कोनेन के नौ खान हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएँ रुतबे पे अपने नाज ना क्यों हो बतूल को रुतबे पे अपने नाज ना क्यों हो बतूल को फजल खुदा से ग्यारह इमामों की माँ रिजवान पेश करता हूँ खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत सुनात यहाँ तशरीफ करना है बगैर किसी हुज्जत के बगैर किसी तकरीर के कलाम से आगाज कर रहा हूँ कोशिश करूँगा कि अपने ईमान पे रहूँ पेश कर रहा हूँ सुनात के लिए फातिमा बिनते नबी मखदूमए कौलूम का फातिमा बिनते नबी मखदूमए शाहज़ादी तेरी अज़मत शाहज़ादी तेरी अज़मत हो नहीं सकती बयान जिसे
का सदर